दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे के टोटल चार शेयर्स के बारे में। जी हां दोस्तों, रेल विकास लिमिटेड, रेलटेल लिमिटेड, IRCTC और इरकॉन लिमिटेड, इन चारों शेयर्स को लेकर आज के दिन हमें कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। लेकिन उस अपडेट के बारे में बात करें उससे पहले हम कंपनी की परफॉर्मेंस को जान लेते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली किस प्रकार की परफॉर्मेंस दे रखी है और कहां आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वीडियो के स्टार्ट कर रहे हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ में, जहां पर आज के दिन हमें 3.5% तक की शानदार तेजी इस शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी है। रेल विकास लिमिटेड पिछले एक साल में लगभग 46% तक के शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। बीच में तो ये शेयर्स हमें 45 रुपीस तक भी जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन अगेन हमें इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिस कारण से शेयर अभी भी हमें कंसोलिडेशन फेज में ही ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 रेल विकास लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है वो यहाँ पर इस कंपनी का भविष्य चेंज कर सकती है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो रेल विकास निगम लिमिटेड के अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें काफ़ी शानदार तरीके से इनक्रीज होते हुए सेप्टेम्बर क्वार्टर में भी देखने को मिल चुका है। अगर बात करें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो आज के दिन हमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर कोई बड़ी तेजी तो देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर इस कंपनी के आप पिछले एक साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा निराश किया है। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन इस शेयर से लगाई गई थी वो रिजल्ट हमें यहाँ पर पिछले एक साल में इस शेयर के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं। एक ही रेंज के अंदर शेयर्स हमें काफ़ी टाइम से ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, जिस कारण से इस शेयर के अंदर जो वॉल्यूम बेस्ड काम है वो भी बहुत कम हमें देखने को मिलता है। हालांकि अगर इरकॉन के भी फाइनेंशियल नंबर्स की बात करी जाए तो इरकॉन के भी फाइनेंशियल नंबर्स ऐसा नहीं है कि बुरे हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू लगभग 46% से हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट यदि आपने इस कंपनी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजिशन को लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड करके चल सकते हैं। आज के दिन हमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर एक बड़ी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन अलॉट किए हैं, जिसकी अपडेट आज के दिन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे के अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, रेलटेल जिसे अभी काफ़ी बड़े ऑर्डर भी कंपनी को हाथ लगे हैं, और साथ ही साथ 117 रुपये का ये शेयर, जिसके अंदर आज के दिन तो हमें कोई बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिले। और साथ ही साथ अगर आप कंपनी की पिछले एक साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 4% तक के नेगेटिव रिटर्न ही अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। रेलटेल अभी अपने लिस्टिंग प्राइस से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, जिस कारण से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। लेकिन अगर हम रेलटेल के भी फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर भी जो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि इंडियन रेलवेज़ की जितनी भी कंपनियाँ हैं उसमें अगर आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सभी कंपनियों के जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इन शेयर्स के अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है स्लो मूविंग शेयर। जी हां दोस्तों, ये शेयर्स भी स्लो मूविंग हमें देखने को मिलते हैं, कोई बड़े रिटर्न्स हमें यहां पर शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिलते हैं। बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे के सबसे बड़े शेयर के बारे में, जिसका नाम है IRCTC, यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहां पर आज के दिन भी हमें लगभग 1.5% तक की करेक्शंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पिछले एक साल के अंदर IRCTC के शेयर ने लगभग 190% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। वहीं पिछले एक साल में हमें इस कंपनी के अंदर स्प्लिट भी देखने को मिल चुका है। साथ ही साथ IRCTC के अंदर आज ही के दिन हमें एक बड़ी अपडेट्स भी देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, IRCTC ने अपनी जो सर्विसेज है फूड एंड कैटरिंग की, जो कि मोबाइल कैटरिंग सर्विसेज है, उसे वापस रीस्टार्ट कर दिया है, जिस कारण से मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि आपने IRCTC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर के ऊपर, यानी कि Q4 के फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर इस न्यूज़ का काफ़ी पॉजिटिव आउटकम्स हमें देखने को मिल सकता है।
IRCTC के अगर फाइनेंशियल नंबर्स की बात करी जाए तो IRCTC के भी फाइनेंशियल नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलते हैं, जहां कंपनी का रेवेन्यू लगभग 350% से और कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 385% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी आने वाले टाइम में आपको मल्टी बेगर रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई इन चारों कंपनियों के बारे में, कंपनियों के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। लेकिन अब बात कर लेते हैं रेलवे सेक्टर से जुड़ी मर्जर को लेकर जो बड़ी अपडेट यहां पर आज के दिन निकल कर आ रही है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको डेट और टाइम कंफर्म करवा देना चाहता हूं, 31 दिसंबर 2021 आज ही के दिन ये न्यूज निकल कर आई है, जिसमें बजट 2022 में गवर्नमेंट यहां पर कंसीडर कर सकती है रेलवे के अंदर मर्जर को लेकर। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट लाइकली टू सेट रोड मैप फॉर रेलवे PSU मर्जर। कंप्लीट न्यूज आप यहां पर देख सकते हैं, द सेंटर इज लाइकली टू अनाउंस अ रोड मैप फॉर द मर्जर ऑफ 6 पब्लिक सेक्टर undertakings under the Ministry of Railways in budget 2022-23, starting the process for a ready restructuring of these organizations। तो यहाँ पर अब हमें इंडियन रेलवेज के अंदर एक मेगा मर्जर देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर IRCTC, IRCON, रेलटेल और RVNL के बीच में देखने को मिलने वाला है। मर्जर की बात करें तो आप देख सकते हैं द मर्जर ऑफ RVNL विद IRCON, यानी कि RVNL का मर्जर IRCON के साथ में और रेलटेल का मर्जर IRCTC के साथ में हमें देखने को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी अपडेट तो ये निकल कर आ रही है कि ये मर्जर हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 के अंदर कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द रेलवे मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट्स द मर्जर्स टू बूस्ट वैल्यूएशन ऑफ द PSU विच वुड बी यूजफुल फॉर रेजिंग फंड्स ऑन बेटर टर्म्स। तो यहाँ पर अगर इन कंपनियों के अंदर मर्जर होता है तो यहाँ पर स्वाइप रेशो के अकॉर्डिंग आपको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, यानी कि अगर आपके पास रेलटेल के शेयर हैं, IRCON के शेयर हैं या फिर RVNL के शेयर्स हैं, तो आपको यहाँ पर एक रेशो सेट किया जाएगा और उस रेशो के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। और साथ ही साथ इससे यहां पर आपको एक प्राइस अनलॉकिंग देखने को मिल सकती है इंडियन रेलवेज के इन शेयर्स के अंदर। यदि आपने IRCTC, रेलटेल, IRCON और RVNL के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लॉन्ग टर्म का व्यू रख रखा है, तो यहां पर आपको मर्जर का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। मर्जर से रिलेटेड अगर और कोई अपडेट निकल कर आती है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दी जाएगी। इंडियन रेलवेज के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का व्यू रख के ही इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ओमिक्रॉन के केसेस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो यहां पर अगेन आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके पहले बाजार की खबर के ऑफिशियल चैनल के थ्रू और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के लिए बहुत मंगलमय हो और आप मार्केट से काफी शानदार प्रॉफिट अर्न कर पाए। बाजार की खबर आज आपसे एक प्रॉमिस करता है कि हम ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे और हमारी तरफ से हम 100% आपको देंगे। आप जिस प्रकार से आपने 2020-2021 के अंदर प्यार बनाए रखा है, वैसे ही आप हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।